द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा का भव्य स्वागत किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मंत्री इंदर सिंह रथ पर सवार हुए। मुस्लिम वर्ग के लोगों ने भी पुष्प वर्षा कर अभिवादन किया है। तो बंसल न्यूज पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि हर धर्म के लोगों का बीजेपी के साथ आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, लेकिन यात्रा का आनंद देखिएगा आप, कितना उत्साह है कार्यकर्ता में। अश्विनी वैष्णव यहाँ पहुंचे हुए और देखिए किस तरह स्वागत कर रहे हैं कार्यकर्ता में, अपार उत्साह इस वक्त देख सकते हैं। और इसको देखकर यही कहा जाएगा कि बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, आप देखिए बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में। क्या देखिएगा क्या ये जिस तरह का माहौल यहाँ दिखाई दे रहा है, आप देखिए आप इस तरफ भी सारे दूसरे वर्ग के मुस्लिम वर्ग के लोग अपार उत्साह यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या होगा इस बार, पार्टी जिंदाबाद में क्या होगा? 200 पार विजय भाजपा, विजय भाजपा। एक माहौल बता हुआ अश्विनी वैष्णव जी को देख सकते हैं, दूसरी तरफ आप देखिएगा कि खुद सबके साथ इंदर सिंह भी नजर आ रहे हैं और एक जोरदार माहौल आशीर्वाद यात्रा के जरिए दिखाने का किया जा रहा है, उसमें अपार उत्साह है कार्यकर्ताओं में, जबरदस्त उत्साह है। सभी समाज, सभी धर्म, सभी वर्ग जुड़े हैं जन आशीर्वाद यात्रा में। बिल्कुल आशीर्वाद वोट में कन्वर्ट होगा। आपसे भी तो जैसा कह रहे हैं अश्विनी वैष्णव जी, कह रहे हैं कि वोट पे ये तमाम तरह की चीजें कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन आप देखिएगा यहाँ से लेकर दूर तक भारी उत्साह है यहाँ कार्यकर्ता में और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मुस्लिम वर्ग के लोगों ने भी स्वागत किया है और एक तरफ इंदर सिंह है तो दूसरी तरफ अश्विनी वैष्णव। पर इतना जरूर है ये फूलों की जो वर्षा हुई है उससे स्वाभाविक एक गुस्सा है, तेज बारिश हो रही है। बावजूद इसके अश्विनी वैष्णव जैसे केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री इस रथ पर सवार है और लंबी दूरी कर लगातार हम बीच में बने हुए और ये बता रहा है कि बीजेपी शायद इस उत्साह के साथ जनता को अपने उत्साह से जोड़ना चाहती है और बताना चाहती है कि बीजेपी आपकी पार्टी है, लेकिन जनता जनार्दन तय करेगी कितना आशीर्वाद देना है। अश्विनी के साथ मनोज सैनी, सुजालपुर।